हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको जैसे बताया था कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कल आपको बता दिया था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे कैसे किस टाइप से कौन कौन से तरीके से हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ के आए हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम किस तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे वो मैं सब आपको इसमें बताऊँगी। सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बताया था, ए मतलब विदाउट, सेक्सुअल मतलब कि विदाउट फ्यूजन ऑफ सेक्स गैमेट्स, उसको हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि फ्यूजन ऑफ सेक्स गैमेट, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फीमेल गैमेट क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी होता है क्योंकि वो लिविंग बींग्स हैं, और एनिमल्स और मैमल्स के अंदर भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर आज हम जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले पार्ट्स को जानेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमने जो फ्लावर दिया है ये दिया है हिबिस्कस। हिबिस्कस इसका साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नेम है चाइना रोज। हिबिस्कस फ्लावर के अंदर हम देखते हैं कि उसका जो फ्लावर होता है इसके अंदर सभी के सभी जो पार्ट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, जिससे कि हम स्टूडेंट्स को इजीली समझा भी पाते हैं कि कौन कौन से पार्ट जो होते हैं, इसके आउटर पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट, ये सभी पार्ट्स को हम इजीली इसमें बता भी पाते हैं, और आप इजीली विजुअल करके उसको एक्सपेरिमेंटली इजीली कर भी पाते हो। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के बॉटम से अगर हम स्टार्ट करें तो बॉटम में आप देख रहे हो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप। ट्यूब लाइक मतलब कि एक नली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं पेडिकल। लीफ के अंदर यही जो पेडिकल पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम पिटियोल। क्या बोलते हैं? पिटियोल। उसके जस्ट अबव अगर हम देखें, इसके जस्ट अबव अगर हम देखें तो एक स्वेलन पार्ट है, इसको बोलते हैं हम थैलमस। स्वेलन पार्ट को क्या बोलते हैं? थैलमस। ये ट्यूब लाइक नली लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं हम पेडिकल। इस स्वेलन पार्ट के जस्ट ऊपर जो होता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं सेपल। सेपल तो जो होता है ये जब हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ सेपल की, यानी ग्रुप, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर ग्रुप में होता है तो उसको सेपल बोलते हैं, अगर सिंगुलर की बात की जाए तो ये कोरोला होता है। अब बोलें कि इस थैलमस का क्या काम होता है, पेडिकल का क्या काम होता है, तो पेडिकल जो होती है ये ट्रांसपिरेशन में मदद करती है फ्लावर के, क्योंकि यही वो नोड होती है जो कि ब्रांच से जुड़ी हुई होती है। ब्रांच के थ्रू ही जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो वाटर और फूड का इनटेक करते हैं, और इन्हीं जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ये पेडिकल से होते हुए ये जो थैलमस है ये स्वेलन पार्ट होता है, इसमें स्टोरेज होता है, इसमें सभी प्लांट उस वाटर का फूड का इसमें स्टोरेज होता है, इसीलिए ये एक स्वेलन पार्ट होता है और ये एक बेस प्रोवाइड करता है उस फ्लावर के सभी पार्ट्स को। अगर हम बात करें अब सेपल, जैसे हमने बोला कि ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रीन कलर का होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। अब बाकी के जो पार्ट्स हैं इसके, अब बाकी के जो पार्ट हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो सबसे बड़ा पार्ट जो इसमें दिख रहा है ये इसका कलर्ड और अट्रैक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर के अंदर जब हम किसी भी फूल को देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अरे ये कितना सुंदर फूल है। उसकी सुंदरता उसके कलर से,
उसकी फ्रेग्रेंस से होती है, जो उसके पेटल्स में होती है, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। अगर हम सिंगुलर में बात करें तो इन्हें हम पेटल्स बोलते हैं, हिंदी में इन्हें पंखुड़ी बोलते हैं। अगर हम इन्हें ग्रुप में बात करें या प्लूरल फॉर्म में बात करें तो हम इसे कैलिक्स बोलते हैं। ये इनके सेकेंडरी नेम बोल सकते हो या फिर साइंटिफिक नेम बोल सकते हो कि कोरोला और कैलिक्स दोनों ही सी से स्टार्ट होते हैं, बट कैलिक्स जो होता है वो पेटल का प्लूरल फॉर्म होता है और कोरोला जो होता है वो सेपल का सिंगुलर पार्ट होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। तो अब ये कलर और फ्रेग्रेंस वाला इन्फ्लोरेसेंस पार्ट कैसे होता है इसका, ये क्यों होता है इसका, इसके भी पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है कि ये कलर्ड और इतना अट्रैक्टिव कैसे होता है। ये कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ जो होती है उसके तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो अट्रैक्ट होते हैं वो पॉलिनेटर्स होते हैं। पॉलिनेटर्स वो एजेंट होते हैं जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अब ये पॉलिनेशन क्या होती है, पॉलिनेशन होती है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दी एंथर लोब टू दी स्टिग्मा। अब ये सब प्रोसेस जो है वो मैं आगे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा उसमें आपको ये बताऊंगी। फिलहाल जो है हम इसके पार्ट्स की जनरल स्टडी कर लेते हैं कि पार्ट्स क्या क्या हैं। तो ये जो कलर्ड और फ्रेग्रेंस वाला जो पार्ट होता है ये पॉलिनेटर्स एजेंट होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हुए, एयर हुई, इन सबको मोस्टली तो जो ये इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये कलर्ड और फ्रेग्रेंस वाला पार्ट होता है जिसे हम पेटल बोलते हैं। अब बात आती है, ये एक ट्यूब लाइक थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये थिन स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ये देख रहे हो इस, ये और इसके ऊपर जो ये टू लोब स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो होता है इसे तो बोलते हैं हम एंथर। एंथर अपर पार्ट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को तो बोलते हैं हम एंथर, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं हम फिलामेंट। इन दोनों को मिला के बनता है स्टैमिन। स्टैमिन क्या होता है, एंथर और फिलामेंट का मिक्सचर स्टैमिन कहलाता है, यानी कि इन दोनों पार्ट को मिला के जो बनता है वो स्टैमिन बनता है, और स्टैमिन को एंड्रोशियम भी बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो जैसा मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होता है, मेल और फीमेल गैमेट। अब ये गैमेट प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, मेल गैमेट का प्रोडक्शन जो होगा वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, एंथर फिलामेंट जिनको मिला के बना हमारा स्टैमिन, इसे हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक थिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है थिक, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टिग्मा। और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसे बोलते हैं हम स्टाइल। और नीचे जो एक स्वेलन पार्ट दिख रहा है आपको, इसके अंदर इसे हम बोलते हैं ओवरी। इसे क्या बोलते हैं हम, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को तीनों को मिला के बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। कार्पल को गाइनोशियम बोलते हैं, जैसे वहाँ पे था एंड्रोशियम यहाँ पे हो गया गाइनोशियम। इन तीनों को मिला के बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसे हम कार्पल बोलते हैं, और अगर उसको साइंटिफिकली बोला जाए तो उसे हम गाइनोशियम बोलते हैं। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन में मदद करता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब मेल गैमेट जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मिलता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमें फीमेल गैमेट मिलता है।
अब बात आती है कि मैडम आप बता रहे हो कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट इन दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट से आता है, पर ये मेल गैमेट क्या है फीमेल गैमेट क्या है? तो हम अब आगे बात करते हैं कि मेल गैमेट क्या होते हैं और फीमेल गैमेट क्या होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, उसको ड्रॉ करना, इसके एक एक पार्ट की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये 12th क्लास में ये लॉन्ग आंसर टाइप में ये आ सकता है। ये लॉन्ग आंसर जो होते हैं उनमें इसका स्ट्रक्चर और इसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि इसका एक एक पार्ट जो होता है उसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है और वो क्या क्या वर्क करता है। इस चीज़ को आप इजीली बता सकते हो अगर आपने स्ट्रक्चर की एक दो बार इसको ड्रॉ करो, इसके एक एक पार्ट को अपने अंडरलाइन करके क्लियरली बनाओ। एक दो बार आप जब बना लोगे तो आप खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इसका एक एक पार्ट जो है वो क्या क्या है। फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि सी फॉर कोरोला भी है, कैलेक्स भी है, ये कार्पल भी है, ये तीनों में याद कैसे करें। मोस्टली बच्चों के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि भाई ये कोरोला जो है ये क्या है, कैलेक्स क्या है, कार्पल क्या है। अगर हम बात करें कि इसके आउटर पार्ट कौन से हैं तो इसके आउटर पार्ट में आ जाते हैं सेपल और पेटल, थैलेमस पेडिकल। पेटल यानी कैलेक्स, सेपल माने कोरोला, ये पार्ट जो हैं ये इसके आउटर पार्ट में आते हैं। अगर इनर पार्ट की बात करी जाए, इनर पार्ट में आते हैं एंथर फिलामेंट, जिसको मिला के हम बोलते हैं स्टेमेन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो इसके इनर पार्ट में आते हैं। तीसरा होता है इनर मोस्ट पार्ट, कौन से होते हैं इसके इनर मोस्ट पार्ट में आ जाते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि कार्पल गाइनोशियम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो इसके इनर मोस्ट पार्ट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो इसके इनर पार्ट होते हैं और जो कोरोला कैलेक्स थैलेमस पेडिकल ये इसके आउटर पार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनर मोस्ट, इनर या आउटर पार्ट कौन कौन से होते हैं उनको डिफाइन करो। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जब आपको ये याद हो जाएगा कि आउटर पार्ट कौन से हैं तो आपको इजीली याद करने में भी मदद रहेगी और उसको बना के और उसको अंडरलाइन करके उसको एक्सप्लेन करने में भी आसानी रहेगी कि किस तरीके से उसके आउटर पार्ट है और किस तरीके से उसके इनर पार्ट है। तो आउटर पार्ट होते हैं हमारे कैलेक्स सेपल थैलेमस, सेपल को प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में कोरोला बोलते हैं, कैलेक्स को सिंगुलर फॉर्म में पेटल बोलते हैं। इनर पार्ट जो होते हैं वो एंथर फिलामेंट जिसे स्टेमेन बोलते हैं, इनर मोस्ट पार्ट जो होते हैं वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जिसे हम कार्पल बोलते हैं। अगर हम बात करें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, मेल गैमेट जो होता है वो होता है हमारा पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट जो होता है वो होता है हमारा एग सेल। ये एग सेल जो है वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है। पोलन ग्रेन जो होता है वो जो एंथर होता है, मैंने बताया था एंथर, एंथर जो होता है उसके अंदर ये बाइलोब्ड होता है, यानी कि टू लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और इस लोब्स के अंदर एक येलोइश येलोइश पाउडर होता है, येलोइश पाउडर होता है उसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, इन्हें हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होता है इसे हम मेल गैमेट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं मेल गैमेट। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर एग सेल, एग सेल इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो एग सेल जो होते हैं वो फीमेल गैमेट होता है और पोलन ग्रेन जो होते हैं मेल गैमेट होता है। तो मैंने बोला था कि इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी थी, उसकी डेफिनेशन में मैंने बोला था के फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इस प्रोसेस को जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन।
जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद प्रोडक्शन होता है जायगोट का, उसको क्या बोलते हैं हम, जायगोट, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट का क्या हुआ, फ्यूजन। ये हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेल होता है क्रोमोसोम, ये भी हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। हैप्लॉयड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉयड मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जब हैप्लॉयड और हैप्लॉयड मिलते हैं तो वो डिप्लॉयड का फॉर्मेशन करते हैं। वो जो डिप्लॉयड होता है वो होता है जायगोट, वो क्या बनाता है, जायगोट। पोलन ग्रेन एग सेल का फ्यूजन हुआ, उन्होंने क्या बनाया, जायगोट। जायगोट जो होता है वो होता है डिप्लॉयड यानी कि 2x डिप्लॉयड यानी कि 2x। पोलन ग्रेन हैप्लॉयड, एग सेल हैप्लॉयड, फॉर्म जायगोट विच इज डिप्लॉयड। ठीक है, अब इसको जब हम फर्दर डेवलप करते हैं तो ये एम्ब्रियो में बनता है, ये मैच्योर एम्ब्रियो में बन जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो फर्दर फ्लावर में बनता है, फ्लावर बन जाता है, और ये जो फ्लावर होता है ये फर्दर फ्रूट, मैच्योर फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको इस ये टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा, उनको अच्छे से याद रखना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच फॉर्म जायगोट विच इज डिप्लॉयड इन नंबर एंड फर्दर इट बिकम इन एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो बिकम इन फ्लावर एंड फ्लावर बिकम इन फ्रूट्स। तो ये जो प्रोसेस होती है ये फर्टिलाइजेशन होती है। दूसरी एक टर्मोलॉजी आती है वो होती है हमारी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा। जब तक कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर नहीं होगा तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है। हम बोल तो रहे हैं पोलन ग्रेन्स और एग सेल का फ्यूजन, ये पोलन ग्रेन एग सेल के पास पहुंचता कैसे है, इसके अंदर जब देखते हैं तो पोलन ग्रेन जो होता है ये मूवमेंट शो करता है, ये मूव करके एग सेल के पास जाता है। एग सेल कांस्टेंट रहता है, वो अपनी ही पोजीशन पर रहता है, वो मूव नहीं करता है। पोलन ग्रेन एजेंट्स यानी पोलिनेटर्स के थ्रू पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एग सेल तक पहुंचते हैं। पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर लोब से स्टिग्मा पर जाते हैं, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के थ्रू एग सेल के साथ में यहाँ पे फ्यूजन कर लेते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पॉलिनेटर्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं, यानी कि पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एयर के थ्रू भी जा सकते हैं, ह्यूमन हैंड्स के थ्रू भी जा सकते हैं, क्लॉथ्स के थ्रू भी जा सकते हैं। ये सभी एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेटर्स कहलाते हैं और ये पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक इंसेक्ट इसके ऊपर बैठा, उसके विंग्स पे वो पाउडरी सब्सटेंस जिसे हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं वो उनकी विंग्स पे लगा, वो फिर जाके स्टिग्मा पर बैठा और उसने स्टिग्मा पर वो जो पाउडर फॉर्म पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे छोड़ दिया। वो इससे स्टाइल्प से होते हुए ये एग सेल पे जाके फ्यूज हो गया। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विच मेक जायगोट
इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी कि पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाके कहीं एक मैच्योर फ्रूट का फॉर्मेशन हो पाता है। ये सभी मैंने आपको एक स्केच बताया है, इसकी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर पढ़ेंगे कि इनके जो मेल गैमेट का वर्क क्या होता है, फीमेल गैमेट का क्या वर्क होता है, इन दोनों के फ्यूजन कैसे होता है, फिर फ्यूजन होकर किस तरीके से एक जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो फिर किस तरीके से फ्लावर बनता है, फ्लावर से फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ये सभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। नोट्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करो। ये एक आपका फर्स्ट चैप्टर है, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ाया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कंप्लीट कंटेंट दूँ। जो भी थोड़ा बहुत भी अगर रह जाता है तो आप अपनी बुक को रिवाइज करो, उसको सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स बनाने से ही आपको चीज़ें याद रहेंगी, और जो चीज़ें याद रहती हैं फिर वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, उसमें फिर आपको एग्ज़ाम के टाइम पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज मेरा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।